जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने द्रास इलाके में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इसके साथ ही मुलू इलाके में भी एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। साथ ही यहां सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को जैसे ही कश्मीर के द्रास गांव में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली, इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने जैसे ही इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 3 स्थानीय आतंकी ढेर हो गए। वहीं मुलू में हुए एक और एनकाउंटर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर का एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया है। खास बात यह है कि मुठभेड़ ऐसे वक्त में हुई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। बता दें कि सितंबर महीने के दौरान कश्मीर घाटी में हुए 10 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों को 2 घुसपैठियों और 14 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली है।